कश्मीर के सबसे बेहतरीन फिश तुच की बात की जाएगी तो श्रीनगर में मकई पॉइंट के मामा बारबेक्यू का नाम सबसे ऊपर आएगा। यहाँ धुएं की आगोश में चुचुराता तुच खूबसूरत चटनी और लवासों के लिहाफ में परोसा जाता है। और अगर आपने डल लेक के किनारे इन सुर्ख सीखों को दांतों से नहीं उतारा तो फिश तुच अभी आपने खाया ही नहीं। बारबेक्यू होता है उसको तुच भी कहते हैं यहाँ पर, जिसको हमारे वहाँ टिक्का कहते हैं। उधार की गाड़ी में श्रीनगर की सड़कों पे हक जमाते हुए मैं पहुंच गया डल लेक। कश्मीर के इस ताज का नगीना कहा जाने वाला ये डल लेक 22 किलोमीटर के क्षेत्रफल में जबरवन पहाड़ियों की निगेबानी में ये चमचमाता नगीना श्रीनगर के बीचों बीच जड़ा हुआ है। ये 7.44 किलोमीटर लंबा, 3.5 किलोमीटर चौड़ा और 6 मीटर गहरा डल लेक जन्नत की इस राजधानी का आपदाना है। फिर चाहे वो ठहरी हुई नक्काशी वाली हाउस बोट्स हों या खामोश पानी को उलझते हुए ये रंगीन शिकारे, चाहे तैरते हुए सब्ज खेत हों या पानी की सतह पे आलिशान बाजार, किसी अजूबे से कम नहीं है डल लेक की ये नायाब दुनिया। और इसी नायाब दुनिया के साहिल पे है मकई पॉइंट, जहाँ मैं लुत्फ उठाऊँगा मामा बारबेक्यू के बेहद लजीज मटन और फिश तुच का। GPS नहीं हो तो पहुँचने में दिक्कत हो जाए। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कौन हूँ तो मैं हूँ गौस पसास, इस कहानी का सूत्रधार। डल की सरहद पे घूमती इस गोल बुलेवार्ड रोड पे मेरी नजरें मकई पॉइंट तलाश रही थी। पॉपुलर के दरख्तों के साए के नीचे दर्जनों तुच की रेड़ियों पे कोयले सुलगना शुरू हो चुके थे। थोड़ी देर में इस पार्किंग कॉम्प्लेक्स से मुझे बेतहाशा उठता धुआं दिखाई दिया तो तुच की दावत पे आए बाकी मेहमानों की तरह मैंने भी चिनार के साए में गाड़ी लगा दी। श्रीनगर में दो जगहों पे तुच बहुत मशहूर है, एक है खयाम और एक है ये मकई पार्क। अब मैं यहाँ रोड क्रॉस करता हूँ आराम से देख करके। और यहाँ के बारबेक्यू के सभी दीवाने हैं, चलिए हम भी इस दीवानगी का लुत्फ उठाते हैं। चिनार के दरख्तों से छनती इस गुनगुनी धूप में चारों दुकानों से जबरदस्त चिरान उठ रही थी, लेकिन गाड़ियों की सबसे ज्यादा भीड़ इस दुकान के आगे लगी थी। और लाल रंग से लिपटी इस दुकान के मालिक लाल रंग का एप्रन पहने लोहे की भट्टी पे धुएं के पर्दे के पीछे मुस्कुराते हुए बड़ी शिद्दत से तुच की सीखें घुमा रहे थे। ये मुस्कान भरी शख्सियत यहाँ मामा के नाम से मशहूर है और इसी वजह से इस दुकान का नाम है मामा बारबेक्यू। आप मशहूर हैं मामा के नाम से, कितने साल से लगा रहे हैं यहाँ पर बारबेक्यू? कम से कम हो गया मेरे 10-15 साल। गाड़ी जैसे ही दुकान के आगे लगती मामा की मदद करता ये नौजवान फौरन ऑर्डर लेने भागता और ऑर्डर के हिसाब से मामा चिकन मटन या फिश तुच की मैरिनेटेड सीखें निकालते और हल्के सुलगते हुए कोयलों को बिछा देते। जब बिछी हुई इन सीखों में थोड़ी गर्मी का एहसास पैदा हो गया तो भट्टी के ऊपर लगे इस पंखे को चला दिया। झरझराते हुए इस पंखे ने कोयलों में फौरन आग भरना शुरू कर दी। धुआं छट गया और दहकते हुए इन कोयलों पे ये लाल सुर्ख तुच चुटचुटाने लगा। क्या जबरदस्त खुशबू उठी। तुच पे रंगत आते ही मामा ने हल्के हाथों से डंडी से लिपटे इस कपड़े के सहारे इन तुजों पर एक चमचमाती हुई परत चढ़ा दी। तेल का एहसास मिलते ही तुच से खुशबूदार धुआं उठा और ऊपर की परत चुरचुराते हुए पकने लगी। मामा ने थोड़ी देर में सीखें उलटने पलटने के बाद पंखा बंद करके ऊपर की परत को कुछ देर और सोंधा और खस्ता होने दिया। उतनी देर में लड़का तुच परोसने की तैयारी करने लगा। ये जो मैरिनेशन करते हैं, मसाले लगाते हैं, ये सब घर पे लगा के लाते हैं? और कितने घंटे का मैरिनेशन रहता है ये? पूरा तैयार करता है सुबह 24 घंटे। 24 घंटे की मैरिनेशन होगी तो ऑब्वियसली मीट बिल्कुल जूसी हो ही जाएगा। और इस तैयारी में सबसे अहम किरदार है तुच के साथ परोसे जाने वाली इन तीन चटनियों का, जो तीन अलग अलग डोलचियों में लाइन से रखी थी। तीन में एक ये चटनी किस चीज की है? मैंने पहली डोलची में झांका तो उसमें दही में कश्मीरी मिर्च की वजह से ये जर्द रंग की चटनी दिखी, जिसमें कुतरी हुई बारीक मूली, गाजर और धनिया घुटी हुई थी। और ये साथ में मूली, गाजर, धनिया। बगल में ही स्टील की 2 गुनी बड़ी डोलची में खालिस सफेद दही में मूली, गाजर और हरी मिर्च का रंग बड़ी खूबसूरती से झांक रहा था।
ये चटनी किस चीज की है? ये प्याज की है। और तीसरे स्टील के इस मोटे से डब्बे में महीन कुतरी हुई प्याज, गाजर, हरी धनिया, नमक और कश्मीरी मिर्च में सौंधी हुई ये सुर्ख चटनी अपने ही रस में जज्ब होते हुए जायकेदार होती जा रही थी। तुझके भट्टी से उतरने से पहले इस नौजवान ने फॉइल के दोने में तीनों चटनियां बड़े ही सलीके से लगा के एक के बगल में एक सजा दी। फिर स्टील की टंकी से बराबर आधे कटे हुए रोटी नुमा लवासों को एक स्टील के प्लेट में बड़े सलीके से बिछाया और चटनी के दोने उसके ऊपर टिका दिए और चुरचुराते हुए तूज उतार के सीख समेत दूसरी प्लेट में रखे। और ये तैयार प्लेटें लगातार कुछ गाड़ियों में पहुंचाता तो कुछ दुकान पे ही बैठे ग्राहकों को परोसता। इन परिंदों की तरह लगातार ग्राहक खुदकते हुए आते और पेट भर के फौरन फुर हो जाते। सब कुछ देखते देखते मेरा तो भूख से बुरा हाल हो चुका था। आप हमारा कर दीजिए 2 मटन कर दीजिए और 2 फिश कर दीजिए। मटन 2 फिश 2। मामा ने मेरे लिए छांट के ये हल्की कश्मीरी मिर्च और सफ़ेद सिरके में जज मछली की सीखें गरम कोयलों पे जैसे ही लिटाई ये मकबली मछलियों के टुकड़े अंगारों से गुफ्तगू करने लगे। मछली से लिपटी हल्की खुरदुरी परत ने सिकुड़ते हुए अंदर की नमी निकाल बाहर फेंकी तो कुछ कोयले बुझ से गए। फिर उन सुलगते हुए कोयलों का धुआं इस फिश तुझ में कुछ देर तक जज्ब होता रहा। दुकानदार ने फिर उसी तरह तेल की मालिश करते हुए पंखा चला के तेज आंच पे एक आखिरी बार सेका ताकि ऊपर की सतह कुरकुरी हो जाए और अंदर की नमी कैद हो जाए। ठीक इसी तरह मटन पुछ की सीखें भी थोड़ा ज्यादा वक्त के लिए मुलायम होने तक सीखी। तैयार होते ही लड़के ने फॉइल के दोने में पहले मिर्च और दही की चटनी डाली, फिर बगल में कुछ चम्मच सफ़ेद मूली की चटनी डाली और आखिर में सुर्ख लाल रस में डूबे इन प्याज के छर्रों की चटनी डाल के लवासों के आधे आधे गोल टुकड़ों पर रख दिया। और गर्मा गर्म तुझ के साथ बगल में ही कुर्सी के साथ लगी इस मेज के बीचों बीच परोस दिया। गर्मा गर्म सीख उठा के सीधे मैंने मछली के इस टुकड़े को सिर्फ दांतों से इशारा किया तो फिश तुझ जबान पे ही पिघल गया। वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त मखमली जायका है। कौन से फिश है ये वाली? मली कहते हैं यहाँ पर। बहुत बहुत जबरदस्त बनी हुई है ये फिश तुझ। इतना जबरदस्त है कि रुका ही नहीं जा रहा है। अब इसको लवासे और चटनियों के साथ चखता हूँ। वाह भाई वाह, एक एक जायका जबान को छेड़ रहा है। ये मटन तुझ भी फौरन ही चख लेता हूँ। मैंने मटन तुझ को भी लवासे के साथ तीनों चटनियों को एक एक करके लपेटते हुए उठाया। तुझ दांतों के नीचे आते ही उसके रस से हलक तक तर हो गया। वाह वाह वाह, जायका ऐसा कि आंखें ही बंद हो गई। फिश तो तुझ इतने जबरदस्त थे कि एक एक करके मैं 15 सीखे खा गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू। पेट इतना भर गया कि अब कावे की तलब होने लगी। मामा ने बताया कि सामने 4 चिनार पे जबरदस्त कावा मिलेगा, लेकिन शिकारे से जाना पड़ेगा। ये तो सोने पे सुहागे वाली बात हो गई। मैंने छल्ली पॉइंट के सामने ही घाट नंबर 23 से 4 चिनार के लिए एक शिकारा किया। बढ़िया बंदे का रेट दादा, खराब बंदे डल लेक के बीचों बीच द्वीप रोफलंग यानी सिल्वर आइलैंड की तामीर मुगल बादशाह औरंगजेब के भाई मुराद बख्श ने की थी, जिसके चारों कोनों पे एक एक चिनार का दरख्त है और इसी वजह से अब इस आइलैंड को 4 चिनार के नाम से जाना जाता है। शिकारे में बैठते ही मल्ला ने जैसे ही पान की शक्ल के इस चप्पू से पानी की परतें कुरेदना शुरू की, शिकारा 4 चिनार के पीछे डल में ढलते सूरज की तरफ तैरने लगा। शोर धुंधला होने लगा और खामोशी गूंजने लगी और मैं ये सारा मंजर जज्ब करते हुए सुध-बुध खो चुका था। रास्ते में प्लेट नुमा गहरी पत्तियों के झुंड में झांकता एक खूबसूरत लिली का फूल दिखा तो शिकारे वाले ने मुझे आगे बढ़ने को कहा। मैंने भी शिकारे की नोक पर जाके लिली के फूल को गर्दन से पकड़ा तो वो जिस्म समेत हाथ में ही आ गया। बीनी सी खुशबू और एक अलग ही कशिश थी इस लिली के फूल में। अब इसमें एक ही बड़ा चिनार रह गया है बस, है ना, बाकी सब छोटे छोटे हैं। लगभग 20 मिनट के सफर के बाद हम 4 चिनार पहुंच गए। शिकारे वाले ने हमारा शिकारा लकड़ी के तैरते हुए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर खट से लगा दिया। उतर के जब चारों तरफ नजरें घुमाई तो बिल्कुल तिलिस्मी मंजर था, जैसे डल में आसमान उतर आया हो या बादलों में हम तैर रहे हैं। और डेक से बंधे इस हरे और नारंगी शिकारे पे परोसा जाता है खुशबूदार ज़ाफ़रानी कहवा। मैंने भाई से 2 कप ताज़ा कहवा बनाने के लिए कहा तो उन्होंने एल्युमिनियम के एक पैन में 2 इलायची गर्म पानी में कूट के डाली, साथ में डाले 3 टुकड़े दारचीनी के और अदरक की तराशी हुई एक साबुत परत डाल के
देर तक उबाला, फिर एक केतली से गर्म पानी का पैमाना बढ़ाया और एक स्टील की छोटी तिजोरी नुमा डब्बी से जाफरान डाला, साथ में कुछ और मसाले डाल के तेज आंच पे खौलाया। 2 फीट ऊपर हूँ शिकारे से इस डेक पे, बट खुशबू इतनी अच्छी फैल रही है। उबाल आते ही ऊपर से डाली चीनी और पैन हिलाते हुए गर्मा गर्म कावा साबुत मसालों के साथ बगैर छाने पेपर के कप्स में परोस दिया और कावे के कप सलीके से ट्रे में रख के उन्होंने मेरे हवाले कर दिया। जबरदस्त खुशबू उठ रही थी। बस थैंक यू। मैं हरी नम घास पे फूलों के दरमियान चिनार के पत्तों के दस्तरखान पे बैठ गया और तैरती हुई दालचीनी की लकड़ियों वाले इस कहवे की मैंने पहली चुस्की ली तो मेरे दिल से आह निकल गई। वाह वाह वाह, ये कहवा मेरे इस सफर का सबसे जायकेदार था। जबरदस्त। मैं कहवे की चुस्कियों में खोया हुआ था कि पूरी वादी अजान से गूंजने लगी और कहवे वाले भैया अपने रब के आगे नतमस्तक हो गए। आसमान की लाली या अंधेरे की आगोश में तेजी से जा रही थी। श्रीनगर के ताज में जड़े इस नगीने में जब सूरज समा गया तो मैं भी धीमे कदमों से शिकारे में बैठ गया। जाते हुए लगा जैसे कुछ पीछे छूट गया, अधूरा सा लगा सफर, जैसे मैं पानी पे ही ठहरा रह गया। झिलमिलाती रोशनी मांझी को कहती साहिल इधर है, चप्पू से उलझता पानी का शोर गहरा होता गया। पता नहीं ख्वाब में जन्नत देखी या जन्नत में ख्वाब। जाते हुए लगा जैसे कुछ पीछे छूट गया, लेकिन कल के सफर में हम श्रीनगर का 700 साल पुराना पन्ना पलटेंगे और उन नायाब गलियों में गुजरे हुए वक्त की खुशबू भी लेंगे और जायका भी। ये पन्ना जरा एहतियात से पलटूंगा क्योंकि इस किताब का नाम है डाउनटाउन।